नमस्कार मेरे बीएलओ साथियों, बीएलओ ऐप का नया वर्जन आ चुका है 5.4, जिसमें दो नई चीज़ें मिली हैं हमें। एक तो पीएससी, एक डीएससी। दोनों हम जब ऐप में लॉगिन करते हैं तो हमें डैशबोर्ड पे नीचे की साइड में आपको पीएससी और डीएससी दोनों दिखाई देते हैं। तो पीएससी क्या है? पीएससी की फुल फॉर्म है फोटो सिमिलर एंट्रीज। जब किसी मतदाता की फ़ोटो मैच होती है तो हमें एक सॉफ्टवेयर एक चेकलिस्ट देता है, जिसमें पता चलता है कि इन दो मतदाता की फ़ोटो सेम है। डीएससी भी ठीक इसी तरीके से है। डीएससी में डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज हैं, जिसमें एक मतदाता का 6 कैटेगरी है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इस टाइप की जो सूचना है मैच होती है तो वो सारी आपको डीएससी की कैटेगरी में देखने को मिलेगी। अब जब आप बीएलओ ऐप में लॉगिन करके सबसे पहले डीएससी है तो आप डीएससी को जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें फिर से आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। इन तीन जो ऊपर कैटेगरी बनी हुई है, विद इन पार्ट, विद इन एसी और अक्रॉस एसी, इसका क्या मतलब है? अगर किसी मतदाता का रिकॉर्ड मैच हो रहा है आपके ही पार्ट में तो सबसे पहले ऑप्शन में उसकी चेकलिस्ट आपको दिखाई जाएगी, जिसको क्लस्टर आईडी से आपको दिखाया जाएगा विद इन पार्ट। अब बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो सेक्शन है, उसमें आपको विद इन एसी दिखाई जाएगी, यानी आपके विधानसभा के अंदर अगर कोई भी दो पार्ट में या तीन पार्ट में डेटा मैच हो रहा है किसी मतदाता का तो उसकी क्लस्टर आईडी, उसकी चेकलिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। तीसरा जो है वो अक्रॉस एसी है, इसका मतलब ये है कि आपके विधानसभा के अंदर आपके पार्ट में कोई मतदाता है उसी का रिकॉर्ड किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में कहीं पर भी ऑल ओवर द इंडिया मैच होता है तो वो आपको उसके अंदर आपको चेकलिस्ट के रूप में दिखाई देगा। क्लस्टर आईडी ऊपर लिखी हुई होगी, सीरियल नंबर होगा, तो इस तरीके से आपको इनकी चेकलिस्ट दिखाई देगी। अभी जो आप देख पा रहे हैं अपनी ऐप के अंदर, उसमें आपको केवल ये जो डीएससी है वो देखने को मिलेगी, उसको प्रोसेस करने का अभी कोई बटन आपको नहीं मिलने वाला है, अभी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए, क्या वाकई में वो जो दो मतदाता हैं उनका रिकॉर्ड मैच हो रहा है या नहीं। अगर एक ही व्यक्ति के दो रिकॉर्ड हैं तो आपको उसको डिलीट करना होगा, उसके लिए आपको फॉर्म 7 अप्लाई करना होता है। अगर दोनों की केवल फोटो मैच हो रही है तो उस केस में आप फॉर्म 8 से फोटो को चेंज करने के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो डीएससी का सेक्शन है, इसी तरीके से पीएससी का है। पीएससी में भी आपको जब ओपन करेंगे तो आइडेंटिफाइड का सेक्शन मिलेगा। आइडेंटिफाइड को ओपन करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर, विद इन पार्ट, विद इन एसी और अक्रॉस एसी। आपके पार्ट में अगर कोई मतदाता का फोटो मैच हो रही है तो आपको विद इन पार्ट में दिखाई देगा। अगर आपके विधानसभा के अंदर कोई रिकॉर्ड मैच हो रहा है तो विद इन एसी, और इसके अलावा अगर आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या कहीं पे भी पूरे स्टेट में, ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी रिकॉर्ड मैच हो रहा है तो वो अक्रॉस एसी के अंदर आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपको डेटा दिखाई देगा जिससे आप ये पहचान कर पाएंगे कि किसी मतदाता का रिकॉर्ड कितनी जगह है। अभी तक क्या था, पूरा डेटाबेस अच्छी तरह से मैच नहीं था तो पता नहीं चल रहा था कि किसी एक मतदाता का वोट दो जगह तीन जगह है या नहीं। तो अब इस डीएससी और पीएससी की प्रोसेस से जो डुप्लीकेट एंट्रीज है उनको हटाने की प्रोसेस की जाएगी। तो अभी इसे प्रोसेस करने के लिए कोई भी हमें गाइडलाइन नहीं मिली है। तो अभी जो वर्जन है बीएलओ ऐप का वो 5.4 है। मुझे लगता है कि अभी 5.4 के बाद जब वर्जन आएगा तो आप उसे प्रोसेस कर पाएंगे, या फिर इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि आपको जो चेकलिस्ट दिखाई दे रही है उनके अकॉर्डिंग आप फॉर्म 7 या 8 कलेक्ट करो। ओके, तो अभी इसे प्रोसेस नहीं कर सकते आप, अभी आप इसको ओपन करके समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या कोई मतदाता आपके पार्ट के अंदर डबल है या नहीं, क्या किसी दूसरे पार्ट से आपका कोई मतदाता मैच हो रहा है या नहीं, या फिर दूसरे किसी स्टेट में आपका कोई वोटर है उसका डेटा मैच हो रहा है या नहीं, तो ये आप केवल अभी जान पाएंगे। आशा करते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पीएससी और डीएससी की वो मैंने आपको बता दी अभी तक जो ऐप के ऊपर है। जैसे ही इसे प्रोसेस करने के लिए बटन हमें मिलेगा या फर्दर गाइडलाइन जो आएगी तब आपको प्रैक्टिकली मैं वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बनाने से आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए जब तक प्रॉपर सिस्टम चालू नहीं हो जाता तब तक मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो नहीं देता हूँ। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इलेक्शन गाइड चैनल पे प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगी, कैसे आप पीएससी प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे आप डीएससी प्रोसेस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड।
बाय बाय।